सब ठीक होंगे जहां भी होंगे। आज मैं बना रही हूँ बाल्टी गोश्त। जैसा कि आप जानते हैं त्योहार है ईद का, तो कहीं बन रहा है मटन, कहीं बन रही चाप, तो कहीं हो रही है बारबेक्यू की पार्टी। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज बाल्टी गोश्त बनाऊं और आपके मेन्यू में एक डिश का इजाफा करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी के डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चूल्हे पर रख दिया मैंने कढ़ाई। अब मैं इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालती हूँ और इसे गर्म होने देती हूँ। जब ये गर्म हो जाएगा हल्का सा, तो फिर मैं इसमें मटन डालूँगी। मटन जो है वो मैंने 1 kg लिया है और इसे मैंने 1/2 बॉयल कर लिया है, मतलब कि आधा कच्चा आधा पक्का, क्योंकि मैंने जब इसको पकाना है डाल के कढ़ाई में, तो फिर इसमें जो मसाला जार डालेंगे फिर के साथ ये पक जाएगा अच्छे से, इसलिए मैंने इसे 1/2 ही बॉयल किया, टेंडर बिल्कुल टेंडर नहीं किया। ऑयल हमारा हो गया है गर्म। अब मैं इसमें डालती हूँ बॉयल किया हुआ मटन। और आप इसको फ्राई कर लें इसी में। मटन को मैंने सादा पानी में बॉयल किया था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। ये देखिए आप, इसको मैं कुकिंग ऑयल में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी और फिर जो बाकी मसाला जात है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, अच्छे से फ्राई हो गया है मटन, मुझे इसी तरह का ही चाहिए था कलर। अब मैं इसे एक प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए जी, गोश्त मैंने सारा निकाल लिया है। अब मैं उसी कढ़ाई में, उसी कुकिंग ऑयल में 1 कप प्याज डालती हूँ और इसे हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेती हूँ फ्राई करके। जब ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये देखिए जी, लाइट ब्राउन हो गया है। कुछ लोग तो ज़्यादा गोल्डन कर लेते हैं, लेकिन मैं इसे हल्का सा ही रखूँगी। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, 1 खाने का चम्मच। उसमें से थोड़ा सा इसको भून लूँगी, 1 से 2 मिनट इसको भून लूँगी, फिर मैं इसमें दोबारा से मटन डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालती हूँ मटन। इसे मैंने थोड़ा सा भुना है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/3 चाय का चम्मच मैंने लिए है हल्दी और नमक मैंने हसबे जायका लिया है, ये भी इसे में डाल रही हूँ चीज़ें। मैं डालती हूँ इसमें टमाटर। मैंने टमाटर 3 लिए थे और पानी में डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि इसका ये जो पानी है वो खुशक हो जाए। तब तक इसको मैं पकाती रहूंगी। जब पानी खुशक होगा तो फिर बाकी जो मसाला है वो डाल दूंगी इसमें। ये देखिए पानी खुशक हो गया टमाटरों का। अब मैं इसमें यखनी जो बची हुई थी गोश्त की वो डालती हूँ। मैंने 1.5 कप लिया था पानी, जिससे मैंने गोश्त को बॉइल किया था, ये बची हुई थी ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। 1 के भी जरिए इसको मैंने फेंक लिया, ये भी इसमें डाल दें आप। 4 सब्जी इसके साथ साबुत डाल दें और इसको मैं इसमें 4 से 5 मिनट और पकाऊंगी, ताकि इसका पानी, दही का जो पानी है वो खुशक हो जाए। अब मैं इसको ढाक देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। और आँच मेरी जो है वो मैंने मीडियम से ज़्यादा रखी हुई है। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसे देखूँगी। 4 से 5 मिनट हो गए, अब मैं देखती हूँ। ये देखिए जी,
हमारा बाल्टी को रेडी हो गया है। गरम मसाला डालती हूँ, मैंने आधा चाय का चम्मच लिया था और साथ में थोड़ा सा अदरक डाल दी। देखिए जी, बाटी गोश्त हो गया है तैयार। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बाल्टी गोश्त हो गया है तैयार। आप भी बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसा बना है। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।